हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाय। सुबह हो चुकी है पर बस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा, और अभी सुबह के 8 बज गए मॉर्निंग के, और चलो उठते हैं अब, आगे देखते हैं क्या करेंगे सारे दिन। पर बहुत बुरी ठंड हो रखी है भाई, दिल्ली में बुरा हाल है। चलो गाइस उठते हैं, फिर आपको फ्रेश होने के बाद फिर से मिलते हैं। देख लो गाइस, आज क्या स्पेशल बन रहा रही है गोलू? गाजर का हलवा। ये मेरी फेवरेट स्वीट डिश है। ये हम लाए थे यूपी से, बिल्कुल लाल गाजर। गाजर हलवा बनाने के लिए स्पेशली यूपी गए हैं। 3 दिन से ला के रखी हुई है, दूध ही नहीं ला रहा था कोई। तो आज क्या स्पेशल है जो इस घर में आज गाजर का हलवा बन रहा है? ठंड ज्यादा हो रही है तो इसलिए गाजर का हलवा बनाओ। कंबल में बैठ के आराम से गाजर का हलवा बनाने से लगे ना, ये खाएंगे। रोटी सब्जी क्यों? और क्या, बिना रोटी सब्जी के मैं मेरे से रह जाएगा? कैसी बात कर रहे हो, मेरा जी निकल जाएगा। केले कट जाएगा जी। हरियाणवी जो बोलने आती, ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, क्या था, जीले कट जाएगा फिर तेरा मतलब? ऐसा क्या हो जाएगा जो जीले कट जाएगा? बस निकल जाएगा यार, ऊपर से मेरे को बाजरे की रोटी पसंद आने लग गई। बाजरे की? हाँ, कल मैंने कुंडी में वो क्या बोलते हैं, चटनी बनाई, उसके बाद मैंने बाजरे की रोटी खाई उसके साथ। ओहो हो हो। तो कितने किलो गाजर ले रही गोलू तू? 3 किलो। 3 किलो बस? तो सारा दिन ही गाजर कसन में जाएगा तेरा? क्यों, 1 घंटे में कर दूंगी इतनी जल्दी हाथ चलाते। अच्छा, तेरी मम्मी से पूछ, शिवा तू क्या कर रही है? सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, सब्जी में क्या स्पेशल हो गया है सन्या जो सब्जी बना रही है तू? मतलब तो मैं सब्जी ही बनाती हूँ। नहीं, स्पेशल क्या है सब्जी में? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखो गाइस, रख दिया है, देखो क्या बनेगा भाई। आज माँ बेटी लुक स्टार्ट तो हो रखी है सुबह से, क्या बन के निकलेगा। चलो गाइस आगे ब्लॉग में देखते रहना क्या क्या बनेगा, क्या करेंगे, आज आपको सारा दिखाएंगे। का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया भाई। पहला पार्ट था गाजरों को छीलना, सारी छील दी 3 किलो की 3 किलो। हाँ। अब दूसरा पार्ट, अब ग्रेट करना इनको। हाँ भैया, देखिए आज के पारा तुम्हें ग्रेट करें, फिर कसना कहूँ। कद्दूकस वही तो, इसको कद्दूकस कहते हैं, इस सप्लाइन सप्लाइंस जो भी कहते हैं इसे। थोड़ी दिन बनाना हो तो बस ये मेहनत के काम करेगी, बस नहीं बनाना नहीं आता, बस मेहनत के काम करेगी। हाँ, कोई बात नहीं, मेहनत का फल भी तो मैं ही खाऊंगी। मैं उसको लाऊंगा। अच्छा। मैंने पहले जब ही छीली थी जब मैं नानी के घर पे थी, एक बार जब ही छीली थी बस। मुझे भी छीलना है, ओए हाथ में लग जाएगी, ये छील दूंगा मैं। हाथ में ना लगवा ली गोलू? नहीं नहीं, बहुत तेज लगेगी। क्या क्या, इससे हम एक और चीज भी तो कसते हैं। अरे नहीं यार, हम गोलू को ही तो कसते हैं, कुछ तो कसते हैं। क्या? अरे जब हम सारे कुछ खाने पीने की चीज बनाते हैं, क्या कसते हैं? गुलू नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उधर कसते हैं। अरे जब लड्डू लड्डू के बनाते हैं, जब क्या करते हैं इसमें वो कोकोनट कोकोनट। ले गुलू ने तो सारा भी रंग भाई, यार छोरी पक्की बनेगी। खाने पीने की चीज कुछ भी पूछ लो यार, सब किमड़ा मड़ा खाया करेगी मस्त। चलो भाई करते हैं, गोलू की हेल्प करते हैं इसमें कद्दूकस करने में, सॉरी ग्रेट करने में। पापा आपको चिढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, इनको ग्रेट करते हैं सारी गाजरों को, गाजरों को, फिर हम आपसे मिलते हैं। अगला स्टेप क्या होगा इन गाजरों को कसने के बाद? चलो पापा आप भी लगे गए आखिर में कानून में। हाँ यार, दुख लग गया इसमें, बहुत मेहनत लगती है। मैंने जब कितने 3 किलो गाजर छील दी, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं तो पहले कह रहा था तेरे से, मैं कर दूंगा। पापा आपको तो आती है गाजर छीलनी।
ग्रेट सॉरी यार पापा, बार बार ग्रेट करना बोलने जरूरी तो नहीं है। अरे तो ग्रेट हो रही है तो चीज तो ग्रेट ही करना चाहिए। लड़ाई मत करो, तुम्हारी मेहनत का फल भी मिल चुका है। डन कस दिया भाई सारी गाजर। देख ले सीमा सारी गाजर कस दी हमने। एक बनाए देंगे सांप इनका। आप सांप बना दो गाजर पा। ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है। उम्मा ये किसका रहता है? गाजर का रहता। मम्मी मतलब जो मैंने गाजर वो करी थी ना उसको मम्मी ने बॉईल करके गाजर का रायता बना दिया। तो ये अब मेरा खाना है, मैं इसको खाऊंगी और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। इसमें पलट दिए सारी गाजर। अब सीमा इसमें क्या मिलाएगी? अभी हाँ दूध मिलाएंगे अभी इसमें। दूध गैस हो गई। दो चार मिनट गाजर को ऐसे ही करेंगे हम विदाउट दूध के। अच्छा फिर इसमें हम दूध डालेंगे फिर हलवा बनता रहेगा रात के 10-11 बजे तक धीरे गैस पे। ये इधर पूरी का तेल चल रहा है भाई मस्त। तो आज इतना ओकेजन क्या है मतलब जो आप लोग इतना सब कुछ बना रहे हो? आज है कुछ है क्या आपके घर में? आज ठंड ज्यादा हो रखी है ना इसलिए। अच्छा ठंड ज्यादा हो रखी है इसलिए बना रहे हो। बच्चों की छुट्टी हो गई। हाँ भाई एक नई चीज तो बताना भूल गया। गोलू तुम्हारी तो मौज हो गई। अरे यार मैं खाना खाती हूँ। देख ले 8 पूरी तो खा चुकी है ये। पापा 3री पूरी है। अच्छा ये बता ना तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ी गई क्या स्कूल की? हाँ छुट्टियाँ नहीं पड़ी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। अरे वाह भाई इस ठंड में जाना नहीं पड़ेगा बाहर निकल सही के। मैं अभी गई थी लास्ट थर्सडे को। फ्राइडे की मैंने छुट्टी ली थी तो थर्सडे को जब गई ना उस दिन मेरे कान में वो सुन सुबह सुबह जब मैं गई ऊपर से मैं रिक्शा में जाती ना तो वो कवर तो कर देते साइड में से लेकिन वो हवा जो आती है ना वो बहुत ज्यादा चुभती है फेस पे। तो सबसे बढ़िया किया गवर्नमेंट ने कि हमारी छुट्टी कर दी। नॉट छुट्टी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी लेकिन ये नहीं है कि हम 7th-8th वाले काम नहीं करूंगी। 9th में मैं हो गई हूँ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। डुगडुगु की भी है ऑनलाइन क्लास वो तो मजे लेने का वाला है। उसको देख लो जाके गेम खेल रहा हूँ तो अपना गलत है। कुछ आधे घंटे पकने के बाद ये हाल है भाई। थोड़ा हो गया मेरी तो ऐसी तैसी हो गई। 10 मिनट हो गए नहीं आ रहा था घंटा हो गया। आपको खाना खाते हुए आधा घंटा लगता है पापा मम्मी? यार जब तक खिलाड़ तो पहला घर रखा है भाई। हमने 3 किलो गाजर ली थी बस 3 किलो इसमें दूध दे दिया भाई बराबर मात्रा में। 6 किलो गाजर का हलवा आई भी नहीं कहते ना कम आई भी दूध मिल कहीं सही ठंडा हो जाएगा। नहीं यार मेरे को कम लग रहा है ठंडा हो जाएगा। हाँ मतलब ठंडे धाम होंगे खा के हलवा थोड़े ना होगा ठंडा। अब गोलू के मुंह में पानी आने लग गया धीरे धीरे। कहाँ से खड़े खुशबू देखो उसको कहाँ से आ गई हलवे की खुशबू उसको ऊपर से यहाँ खींच ली। बताओ मीठा कितना गेर होगा जब बताऊंगी कितनी खुशबू आएगी। इसमें हमें एक बोरी चीनी तो डाल ही सकते हैं। बोरी एक और बताऊं देख एक बेगन और के वाला आज दिखाऊंगा तुम्हें। ये भाई तो दी थी ये पनीर की सब्जी रायता और पूरी। पूरी तो सारी खा ली। अरे इसकी इस तो खाया जा नहीं रहा। अरे इसकी मम्मी बनाओगी इसमें सही। इसके पैर ऊपर हो गए। पैर ऊपर हो गए पैर नीचे ही हैं। ये है डुकू का सस्ता टैटू मम्मी सिर्फ आपके लिए। क्या कहना चाहोगे आप? मॉम लिखा है तो पता तू कैसा लग रहा है कैमरे में अभी फिलहाल। ऐसे तो अभी उठ के आया है। नहीं पापा को बता क्या तू। मेरा टाइम आ चुका है इसको लगातार हिलाने का और थोड़ी देर में इसको लगातार हिलाना होता है। ये मेन स्टेज होता है गाजर के हलवे का। फिर तो फिर तो
मिल पाओ। फिर हम अपना बर्गर क्या कहते हैं उसको, पछताएंगे। हाँ, बर्गर पछताएंगे यार मम्मी। मतलब बर्गर को डाइजेस्ट करेंगे, मेरे को हिंदी नहीं आती। हलवा खा के। हाँ, ये कौन सी चीज है? ये भक्ति राणा की चीज है। चलो मैं आपको अब इसका रिव्यू देते हुए मिलती हूँ। हलवा हो गया रेडी, मम्मी करो। मैं मेरा हलवा हो गया रेडी। और कितने देर बाद मिला है मम्मी ये? कितने देर बाद मिला है मुझे ये? कितने देर बाद मिला है हमें घर? कम से कम एक से आधा घंटा हो गया आए हुए। अब ये रेडी तो हो गया और अब मैं लड्डू गोपाल जी का भोग लगाऊंगी और मैं एंजॉय करती हूँ इस हलवे को। आपको क्या काम है? हैं? आप क्यों बैठ रहे हो? आपको इस चीज़ पसंद ही नहीं है ये? क्या खा लो तुम? अब बना तो दिया भाई। आज सीमा ने इतना हंगा ला के, और आज स्पेशल सीमा की मेहनत है जिसकी वजह से गाजर का हलवा बन गया। ना तो ये बनता ना भाई, इसने इतनी मेहनत करी। आज स्पेशल दो मेहनत है, इसका रिएक्शन देखिए भाई। हलवा खाए पाच है जो कहते ना, कल जो ठंडक पड़ गई वो आज मेरे साथ ठंडक नहीं, गर्म हाथ पड़ गई। एक ही बात है, ओहो मजा आ गया, मजा आ गया। फिलहाल हमें एक ही कटोरी मिली है, रात हो रही है वरना मम्मी मेरे को खा जाएगी। बर्गर नहीं खा के आए अभी? फिर भी यार मम्मी इतना कष्ट तो मत दो। कहते सबर का फल मीठा होता है, वो तो रहा है सबर का फल मीठा, पर सबर नहीं हुई हमसे। सबर नहीं हुई हमसे, पूरा दिन चला गया। जब ऊपर से मम्मी इतनी गंदी है, मतलब मूवी हमने चला क्या दी, मम्मी लेट गई पूरे दिन, लेटी रही और उस हलवे को ना बस यूं छोड़ रखा था गैस पे। हम जब से मांगे वो सिर्फ दूध उसमें हल्का हल्का ऐसे बॉयल हो रहा था। अब नहीं तो बता दो, हलवा बच रहा है कि सिर्फ गाजर गाजर रह रही मैं? पता नहीं, पता नहीं, खा रही है और फिर बोल नहीं रही है। गाजर गाजर है हलवे की तो ऐसी तैसी हुई हुई है। क्यों टेस्ट इतना बन रहा है भाई? जिसको भी गाजर का हलवा पसंद आता हो प्लीज कमेंट में बताना गाजर का हलवा कैसे बनता है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अलग कोई रेसिपी पता है हमसे भी, तो प्लीज शेयर करना ताकि हम उस रेसिपी से बना के खा सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें। और हमें ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा नहीं पसंद, जिसको ड्राई फ्रूट्स वाला हलवा पसंद है वो भी कमेंट कर देना। और हमें सिंपल दूध वाला जो मम्मी बनाती है सिंपल वो पसंद है। हमें ज़्यादा इतनी क्या डेकोरेशन करने का शौक नहीं है, जाना तो पेट में है, सारा कुछ मिलना ही तो है पापा, है ना? और ही मैं कस कर गए रखे हैं, मैं ड्रामा थोड़ी खंडा आगे ऊपर दर के और क्या। तो गाइस हम इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, रजाई में हम सारे घुस चुके हैं, बस अब और बाहर निकलेंगे। तगड़ा डड्डा हो रहा है यार। ओहो बाहर ओस गिर रही है, ऐसे लग रहा है कि बाहर बस बाहर गए और बर्फ की सिल्ली होके वापस आएंगे अंदर। तो इस व्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं। कुछ काम कर, आज मम्मी एंड करेगी व्लॉग को। हाँ चलो आज मम्मी एंड करेगी व्लॉग को, आज मम्मी एंड करेगी व्लॉग को। मेरा तो वैसे एंड हो चुका है, सॉरी मैं। चलो मम्मी बोलो। चलो मम्मी एंड करो, बस द एंड। ब्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं हम। बाय 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 बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमें यूं ही प्यार देते रहो। थैंक यू फॉर कमेंटिंग, सो इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हमें व्लॉग बनाने का बहुत मन करता है लेकिन कुछ ड्यू रीजंस की वजह से हम नहीं बना पाते, और विद इन मेरे हाफ मंथ में मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, इसके बाद सीधा मैं 10th में हो जाऊंगी। तो इसी वजह से हमारे व्लॉग ड्यू है। हम होप वाओ मैं बोल रही हूँ, मतलब बोलने का भी इंतजार नहीं है। बाय।